पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। आप सभी का स्वागत है सच न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी से कुछ खास खबरें। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में शनिवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ ही शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। तो वहीं उच्च स्तरीय टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में सिचुएशन कंट्रोल में है। तो वहीं बीते 24 घंटों में हुई 1,90,000 से भी ज्यादा सैंपल की जांच में कुल 39 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो इसी अवधि में 12 लोग सही होकर कोरोना से मुक्त भी हो गए हैं। तो वहीं सीएम योगी ने उच्च स्तरीय टीम 9 को निर्देश दिए हैं कि वो बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारी को जागरूक करे। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान ना दे। इसके साथ ही सड़कों और बाजारों में हर किसी के लिए मास्क जरूरी किया जाए और पुलिस बल लगातार गश्त करे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए। इसी के साथ सीएम ने आगे भी कहा कि देश के किसी भी राज्य से और विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा से आने वाले हर एक शख्स की ट्रेसिंग टेस्टिंग की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर हर एक सतर्कता बती रहे। बाहर से आने वाले हर एक शख्स की टेस्टिंग कराई जाए, उसके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाए और जरूरतमंद लोगों को क्वारंटीन भी किया जाए, हॉस्पिटल्स में एडमिट भी करवाया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मैरौली में एक क्लब भी सील किया गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जिला दक्षिण की एक उड़न दस्ते की टीम मैरौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में इंस्पेक्शन के लिए गई थी और क्लब में क्षमता से ज्यादा भीड़ मिली और क्लब में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था। तो वहीं इस पर तुरंत मैरौली के तहसीलदार और उनकी टीम ने भीड़ को तितर बितर किया और DDMA के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर परिसर को मौके पर ही सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात करीब 10:45 पर टीम यहां पहुंची और क्लब में करीब 600 लोग मौजूद थे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए DDMA के गाइडलाइंस के अनुसार कार्रवाई करते हुए क्लब को सील कर दिया गया। तो वहीं प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि सभी रेस्टोरेंट्स को निर्देशित किया जाता है कि वो गाइडलाइंस का पालन करें और सुनिश्चित करें कि वो कोरोना की मौजूदा सिचुएशन में सुपर स्प्रेडर ना बने। वहीं इस मामले में IPC की धारा 188 और 269 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच इस साल क्रिसमस और नए साल पर होने वाले आयोजनों पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी दिया है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि वो ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। इसी बीच खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोरोना को लेकर समीक्षा मीटिंग की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि हॉस्पिटल्स ना भागे, संक्रमितों के घर पर ही दवाई पहुंचाई जाएगी। साथ ही कहा कि हम होम आइसोलेशन सिस्टम मजबूत करेंगे और साथ ही घर में ही इलाज कराने की तैयारी बताई है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रोजाना 1,00,000 केस आने पर भी हम तैयार हैं। 2 महीनों के लिए दवाइयों का स्टॉक होगा। रोजाना 3,00,000 टेस्ट करने की भी कार्रवाई जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को भी दिल्ली में 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल पेशेंट्स की संख्या 64 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 23 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। तो वहीं 64 मामलों के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की और इस मीटिंग में होम आइसोलेशन के सिस्टम को और दुरुस्त करने की चर्चा हुई। तो वहीं मीटिंग के बाद केजरीवाल ने बताया कि सरकार ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। हम इस बार ऑक्सीजन की कमी को पिछली बार की तरह नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए 15 ट्रकों की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देश भर की और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
डॉक्टर फरहानास पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक मेटर्निटी एंड स्कैनिंग सेंटर बाय डॉक्टर फराना अल जाबरी, कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैंस रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में। पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फराना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खसूसी लेडीज और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर